वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी लोगों को सोलर पैनल से डायरेक्टली फैन कैसे चलाना है तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और एक लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे कितनी धूप है, आप देख पा रहे हैं इतनी धूप में मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और मैं आपको बताता हूं कि फ़ैन कैसे चलाएंगे। आप देख पा रहे हैं मैंने फ़ैन को इसमें कनेक्ट कर दिया है और आप देख पा रहे हैं सोलर पैनल है, जो कि ये डायरेक्टली वायर्स इस तरीके से आए हुए हैं, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है। ये फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं इसमें 7812 IC लगी, मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें धूप की वजह से आपको देखने अब दिख पा रहा होगा आपको, ये 7812 IC है फ्रेंड्स। तो ये क्या काम करती है, जो ये पैनल हमें देता है 18-19 वोल्ट से लेकर 22-23 वोल्ट तक, तो उसको ये कन्वर्ट करके हमें 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो आप इसे बनाना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, जिससे कि आप इसको भी बनाना सीख जाएंगे। और इसमें मैंने आज एक कैपेसिटर भी ऐड किया, जिससे कि वोल्टेज कॉन्स्टेंट बना रहे। तो इसको मैंने आउटपुट में कनेक्ट कर दीजिए, आउटपुट के वायर्स हैं दोनों, निगेटिव कॉमन ही, निगेटिव को मैंने कंडेंसर के कॉमन कर दिया कैपेसिटर के, एंड पॉजिटिव को आउटपुट में कनेक्ट कर दिया। और आप देख पा रहे हैं ये मैं दूसरे दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ये फैन है इस तरीके से और ये इसकी स्विच है। तो मैं इसे ऑन करता हूँ और ये फैन हमारा चालू हो गया है। वाह, इतनी गर्मी में बहुत ही मस्त हवा दे रहा है। आपको मैं इसकी वॉइस भी सुनाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं ये कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और आप इसको बिना इसके इस जो डिवाइस मैंने बनाई है 7812 IC की, अगर आप इसको नहीं लगाते हैं तो फिर ये फैन चल जाएगा। क्योंकि मैं आपको इसकी मोटर दिखा दूं, इसमें ये मोटर लगी हुई है आप देख पा रहे हैं। इस मोटर को आप अगर 12 वोल्ट से 14 वोल्ट तक दे सकते हैं, उसके आगे अगर आप इसमें वोल्टेज देंगे तो फिर ये मोटर जो है आपकी चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।